सौतेली माँ और जादुई मेकअप किट। ये कहानी एक दिल्ली शहर के शास्त्री नगर इलाके की है, जहाँ रिंकी अपनी माँ लक्ष्मी के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। रिंकी के पिताजी राजू एक पुलिस ऑफिसर थे और रिंकी की माँ लक्ष्मी एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिला थी। असल में ये बात कुछ 15 साल पुरानी है, जब लक्ष्मी और राजू एक साथ कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। क्योंकि दोनों एक ही कॉलेज में थे और दोनों में बहुत बातचीत थी, इसलिए समय के साथ साथ वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। राजू और लक्ष्मी अपने प्यार को साक्षी मानकर एक अग्नि के सामने सात फेरे ले लेते हैं और शादी करके घर आ जाते हैं। लक्ष्मी के लंबे लंबे बाल, सुंदर गोल चेहरा और दूध के जैसा सफेद रंग देखकर राजू की माँ कांति उसे अपने घर की बहू स्वीकार कर लेती है और इस तरह राजू और लक्ष्मी पति पत्नी की तरह एक घर में रहने लगते हैं। राजू का सपना था कि वो एक काबिल पुलिस वाला बनना चाहता है, जिसे सच करने के लिए वो शादी के बाद भी दिन रात पढ़ाई किया करता था और अंत में राजू पुलिस की नौकरी के लिए अच्छे अंकों से पास हो जाता है। दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में उसे आईपीएस ऑफिसर की रैंक मिलती है। राजू जब ये बात अपनी पत्नी लक्ष्मी को सुनाता है तो वह बहुत खुश होती है। राजू और लक्ष्मी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है और इसी बीच उन्हें एक बेटी हो जाती है, जिसका नाम रिंकी होता है। क्योंकि लक्ष्मी एक मॉडर्न फैमिली से थी, उसे बच्चों की परवरिश नहीं आती थी, जिस कारण रिंकी की दादी कांति ने उसका पालन पोषण किया था। इसी तरह सब अच्छा चल रहा था और रिंकी अब पूरे 15 साल की हो गई थी। रिंकी हाई स्कूल में पढ़ती थी और एक अच्छे परिवार से थी, इसलिए रिंकी को कभी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई। रिंकी के शौक बड़े बड़े थे। वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करना, मॉल में शॉपिंग करना और इधर उधर पैसे उड़ाना पसंद करती थी। क्योंकि लक्ष्मी खुद एक मॉडर्न मदर थी, इसलिए वो अपनी बेटी रिंकी को कभी इन कामों के लिए मना नहीं करती। एक दिन रिंकी स्कूल से घर आ रही होती है। घर पहुंचकर वो देखती है घर के सभी लोग बहुत शांत बैठे हैं और उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है। दादी माँ, ये क्या हुआ? सभी लोग इतने शांत क्यों हैं और माँ इस तरह जमीन पर क्यों लेटी हुई है? सब ठीक तो है ना? आओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किंतु तुम्हारी प्यारी माँ अब भगवान के पास चली गई है और अब वो वहीं से तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगी। दादी माँ, ये क्या कह रही है? मेरी मम्मी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो मैं केवल 15 वर्ष की ही हूँ। मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। देखिएगा, मेरे बुलाने पर अवश्य उठ जाएंगी। माँ प्लीज उठिए ना, देखिए दादी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। कल ही तो हम दोनों ने मूवी देखने का प्लान बनाया था और आज आप इस तरह बिस्तर पर लेटकर मुझसे बातें भी नहीं कर रही। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मॉम आंखें खोलो ना। दादी माँ, लगता है मम्मी को बहुत नींद आ रही है, हमें कुछ देर तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रिंकी बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, परंतु तुम्हें समझना चाहिए कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही और आज से तुम्हें एक गुड गर्ल बन के दिखाना है। थोड़ी देर बाद रिंकी को एहसास होता है कि सच में उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और तभी से वो बहुत उदास उदास रहने लगती है। क्योंकि रिंकी की माँ हमेशा रिंकी के साथ एक फ्रेंड की तरह रहती थी, इसलिए रिंकी उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रिंकी की दादी कांति भी अब बूढ़ी हो गई थी और उनसे घर का कोई काम नहीं होता था, इसलिए अब उन्हें रिंकी की देखभाल में बहुत दिक्कतें आती थी। क्योंकि रिंकी अपने घर वालों की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके पिताजी उससे बहुत लाड प्यार करते थे, जिस कारण वो बहुत आलसी और नाकारा बन गई थी। रिंकी के पिताजी का अक्सर नए नए शहरों में ट्रांसफर हो जाया करता था, जिस कारण उन्हें रिंकी की परवरिश में काफी दिक्कतें आ रही थी। एक दिन रिंकी की दादी राजू को बहुत समझाती है और उसे दोबारा शादी करने की सलाह देती है। क्योंकि राजू लक्ष्मी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि लक्ष्मी के ना रहने के बाद वो किसी और के साथ शादी कर ले। परंतु अपने माँ के बहुत समझाने के बाद वो रिंकी की खातिर दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद राजू अपनी माँ कांति के साथ दूर गांव लड़के देखने जाता है,
पंडित जी कांति को एक गांव की लड़की सुनीता के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही संस्कारी और कर्तव्य निष्ठ थी। कांति भी हमेशा से एक संस्कारी और सीधी बहू चाहती थी, वो इस रिश्ते को मंजूरी दे देती है। पंडित जी गांव के ही एक मंदिर में सुनीता और राजू की शादी करा देते हैं। राजू जब सुनीता को अपने घर में लेकर आता है तो सुनीता राजू का इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाती है और बस देखती ही रहती है। कहाँ खो गई तुम सुनीता, यह मेरी इकलौती बेटी रिंकी है। मैं इसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ और मैंने तुमसे केवल इसलिए शादी की है ताकि तुम मेरी इस नन्ही सी जान की देखभाल कर सको। जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं रिंकी बिटिया का पूरा ध्यान रखूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सुनीता रिंकी का पूरा ध्यान रखती थी, उसे समय पर खाना देती थी, उसके कपड़े धोकर देती थी और उसे बहुत सारी बातें भी किया करती थी। परंतु कहीं ना कहीं रिंकी अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये माँ एक गांव से बिलोंग करती थी और वो रिंकी पर काफी रोक टोक भी लगाती थी। एक दिन सुनीता रिंकी से कहती है, अरे रिंकी बिटिया, तुम ये पूरे दिन मेकअप में क्यों लगी रहती हो? तुम्हारे पिताजी कहकर गए थे ना कि तुम्हें आज पढ़ाई करनी है, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, फिर तुम ये क्या कर रही हो? माँ आप तो मुझे हर वक्त टोकती रहती हो। पहले वाली माँ तो कितनी अच्छी थी, वो मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं टोकती थी और मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहती थी। सुनीता ये सब सुनकर बहुत निराश हो जाती है कि वो अभी भी रिंकी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पा रही है और रिंकी इतने सालों बाद भी उसे नापसंद करती है। इतने सालों में रिंकी की दादी कांति का भी देहांत हो चुका था और अब घर में केवल सुनीता और रिंकी ही रहते थे। राजू का भी नौकरी के सिलसिले से मुंबई शहर में ट्रांसफर हो गया था। वो साल में एक दो बार ही अपनी बेटी से मिलने आया करता था। राजू की खुली छूट और संस्कारों की कमी के कारण रिंकी को गलत आदतें पकड़ लेती है और वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ क्लब जाना, लेट नाइट पार्टी करना और ड्रिंक करना भी पसंद करने लगी थी। अब रिंकी देर रात रात तक घर आती और अपनी सौतेली माँ के साथ बुरा व्यवहार भी करती थी। ये सब सुनीता से देखा नहीं जा रहा था और वो आज उस जादुई मेकअप किट को याद करती है जो उसकी माँ ने उसे शादी के समय पर दी थी और कहा था कि इसे तभी इस्तेमाल करना जब तुम किसी मुश्किल में हो। सुनीता अपने कमरे में जाकर वो मेकअप किट निकाल लेती है। हेलो सुनीता, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेकअप किट जी, मेरी एक बेटी है जिसका नाम रिंकी है, उसे कुछ गलत दोस्तों के संगत की वजह से नशे की लत हो गई है और अब वो अपने काबू से बाहर है। मैं भले ही उसकी सौतेली माँ क्यों ना हूँ, परंतु मैं उसका अच्छा ही चाहती हूँ, कृपया उसे ठीक करने का कोई उपाय बताइए। रिंकी को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड आ गया है, हमें उसका घमंड तोड़ना होगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम जैसे तैसे मुझे उसके कमरे में रख दो, मैं अपने जादू से उसे ठीक कर दूंगी। रिंकी ने हाल ही में एक ऑनलाइन मेकअप किट मंगाई थी जो सुनीता ने अपने कमरे में रख रखी थी। सुनीता उस साधारण मेकअप किट को अपने इस जादुई मेकअप किट से बदल देती है और जाकर रिंकी को दे देती है। ये लो रिंकी बेटी, ये तुम्हारा ब्रांडेड मेकअप किट जो तुमने कल ऑनलाइन से मंगाया था, कृपया इसे अपने पास ही रख लो। इतना कहकर सुनीता उसके कमरे से चली जाती है। रिंकी जब उस ब्रांडेड मेकअप किट को खोलकर देखती है तो वो बहुत ही चमकदार और स्टाइलिश लगती है। रिंकी की वो मेकअप किट बहुत महंगी और ब्रांडेड थी। इतनी चमकदार और सुंदर मेकअप देखकर रिंकी से इंतजार नहीं होता और वो जल्दी से उस मेकअप किट से मेकअप करने लगती है। शुरू में तो वो मेकअप किट रिंकी को बहुत ही सुंदर और गोरा बना देती है। ये देखकर रिंकी बहुत खुश होती है और बहुत ज्यादा मेकअप लगाकर अपने कमरे में ही सो जाती है। अगली सुबह जब रिंकी उठती है तो देखती है कि उसका पूरा शरीर कोयले की तरह काला हो गया है और उसके चेहरे पर काले निशान भी हो गए हैं। ये देखकर उसके मुंह से जोरदार चीख निकलती है। ये सुनकर सुनीता जल्दी से उसके कमरे में आ जाती है। वो भी रिंकी का ये हाल देखकर हैरान रह जाती है। माँ ये देखो, ये क्या हो गया मेरे चेहरे का, मैं इतनी काली और बदसूरत कैसे हो गई? मुझे अपना ये चेहरा देखा नहीं जा रहा, मेरे सभी फ्रेंड मुझे इस हालत में देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगी। माँ कृपया करके मेरा चेहरा पहले जैसा कर दीजिए ना। रिंकी बेटी,
अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारे ऑनलाइन महंगे महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की वजह से हुआ है। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही मना करती थी कि बेवजह मेकअप करना ये गलत आदत है, और अब देखो, अब शायद तुम जिंदगी भर के लिए काली और बदसूरत ही रह जाओगी। कृपया आप ऐसा ना बोले, मुझ काली से कौन शादी करेगा, अब तो मैं बाहर कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। और इस तरह रिंकी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और जोर जोर से रोने लगती है। सुनो मेरी बेटी, तुम्हें इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। अगर तुम आज ही मंदिर जाकर अपनी सभी गलत आदतें छोड़ने का प्रॉमिस करती हो तो जरूर भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, और हो सकता है वो तुम्हें पहले जैसा गोरा और सुंदर भी कर दे। माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, कृपया मुझे पहले जैसा कर दीजिए। और इस तरह रिंकी और सुनीता दोनों मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती हैं। असल में सुनीता जानती थी कि ये सब उसकी जादुई मेकअप किट का कमाल है। वो मेकअप किट से बोलकर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल करवा देती है। रिंकी बेटी, आंखें खोलो, ये देखो तुम तो पहले जैसी खूबसूरत और नौजवान हो गई हो। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। रिंकी आंखें खोलकर देखती है कि वो सच में पहले जैसा सुंदर और खूबसूरत हो गई है। ये सब देखकर उसे रोना आ जाता है, परंतु खुशी के आंसू थे क्योंकि उसके सौतेली माँ ने उसको वापस पहले जैसा कर दिया था। रिंकी अपनी सौतेली माँ को गले लगा लेती है और उसी दिन से रिंकी अपनी माँ की हर एक बात मानती है और एक नेक और संस्कारी लड़की में बदल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए और बुरी संगति से बचना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।